सब्सक्राइब करें रॉयल हिस्ट्री ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि इतिहास की कोई भी जानकारी आप मिस न कर पाएं। जय हिंद। आज हम अपनी इस वीडियो में एक ऐसी शत्रानी की कथा बताने जा रहे हैं जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। हम बात कर रहे हैं रानी कलावती के बारे में, तो आइए जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने से पूर्व रास्ते में एक छोटे से राज्य के राजा कर्ण सिंह को अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा। बिना युद्ध किए एक क्षत्रिय पराजय स्वीकार कर ले, यह कैसे संभव हो सकता है? अंत कर्ण सिंह ने यवनों से संघर्ष करने को तैयारी कर ली। अंतपुर में अपनी रानी से जब वह युद्ध के लिए विदा लेने गया तो उसकी रानी कलावती ने युद्ध में साथ चलने का निवेदन करते हुए कहा, स्वामी मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, मुझे सदा संग रहने का अवसर प्रदान कीजिए। सिंहनी के आघात अपने वनराज से दुर्बल भले हों पर गीदड़ों व सिंहों के संहार हेतु तो पर्याप्त हैं। कर्ण सिंह ने अपनी वीर पत्नी की भावनाओं को समझते हुए उसे साथ चलने की अनुमति दे दी। छोटी सी सेना का विशाल यवन सेना से मुकाबला था। रानी कलावती शस्त्र संचालन में निपुण थी। अपने पति की पार्श्व रक्षा करती हुई वह शत्रुओं का संहार कर रही थी। इधर स्वाधीनता की रक्षा करने वाले वीर राजपूत मृत्यु का वरण करने को उत्सुक थे और उनके सामने थे यवन सैनिक। घमासान युद्ध हो रहा था। इतने में एक आघात कर्ण सिंह को लगा जिससे वह बेहोश हो गए। कलावती ने दोनों हाथों से शस्त्र संचालन कर पति के आसपास स्थित सारे शत्रु सैनिकों का सफाया कर दिया। युद्ध उत्साही क्षत्रिय सैनिकों के आगे यवन सेना पराजित हुई। विजय हासिल कर रानी कलावती अपने घायल पति को लेकर वापस लौटी। राजवैद्य ने परीक्षण कर बताया कि विषैले शस्त्र से आहत होने के कारण राजा कर्ण सिंह बेहोश हुए हैं। उनके विष को चूसने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। विष चूसने वाले के जीवित रहने की संभावना कम थी क्योंकि शत्रु द्वारा प्रयुक्त जहर बहुत ही विषैला था। इससे पहले कि विष चूसने वाले की खोज की जाए, उसे तलाश करने का प्रयास किया जाए, रानी ने स्वयं उस मार्ग विष को चूस डाला। विष चूसने की विधि में कलावती निपुण नहीं थी, फिर भी पति के प्राणों की रक्षार्थ उसने अविलंब यह कार्य किया। जब राजा कर्ण सिंह की बेहोशी टूटी और उन्होंने अपने नेत्र खोले तो समीप ही पड़ी प्रेम प्रतिमा की मृत देह नजर आई। अपने प्राणोत्सर्ग कर पति के प्राणों की रक्षा करने वाली रानी कलावती का त्याग अविस्मरणीय व वंदनीय है। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्रियां जिन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी और भी ऐतिहासिक जानकारियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय मां भवानी।